आगरा विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हेल्प डेस्क की ये तस्वीरें इन सभी दावों की पोल खोल देती है। हाल ही में 2 जून को आगरा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन हेल्प डेस्क शुरू कर अपनी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑनलाइन हेल्प डेस्क का सिस्टम पूरी तरह से धराशायी हो गया। छात्र अपनी समस्या लेकर अभी भी विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आगरा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हमेशा से ही समस्याओं का गढ़ रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए नए नए तरीके लागू किए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी विश्वविद्यालय के कामकाज के ऊपर पानी फेर देते हैं। और डिग्री को लेकर आए थे सर, डिग्री अप्लाई किया था हमने आज से 3 महीने पहले, हमारी डिग्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी कहते कोविड चल रहा है, अंदर नहीं घुसने देते हैं, हेल्प डेस्क पर वो दे दो, कई बार दे चुके हैं यहाँ पर, AR साहब से करा के लाए, ध्यान दिया, पर कोई काम नहीं हो पा रहा हमारा। ऑनलाइन हेल्प डेस्क जो 2 जून से स्टार्ट हो गई है, उसको लेकर क्या लग रहा है कि वो कारगर है, उसको सुनवाई हो रही है लोगों की? सर एप्लीकेशन ले लेते हैं, समाधान नहीं होता किसी चीज़ का, कोई समाधान नहीं होता। विश्वविद्यालय ने एक डिग्री सप्ताह चलाया था, एक महाअभियान चलाया था जिसके अंदर डिग्री बनाई जाएंगी, उसमें आपने अप्लाई किए थे? हाँ, डिग्री बनाई है सर, घर नहीं पहुँची, बनी रखी है अंदर डिपार्टमेंट वहाँ नहीं, उस थ्रेसर कैंपस पर कहीं उनका वो है, एजेंसी पर नहीं पहुँची, बात बता रहे हैं न कि पहुँचेंगी, कोविड चल रहा है उसके बाद जाएंगे। बात तो कही जा रही थी कि घर ही घर पे होम एड्रेस पर ही डिग्रियाँ पहुँचेंगी। हाँ, वो उसमें फीस जमा कराई थी सर, पहले कहते बिना फीस जाए, फिर फीस जमा कराई, फिर वो ऐसी अटकी पड़ी हैं, पहुँच नहीं है, सभी लोग ही पहुँच नहीं पा रहे हैं। कितने समय से चक्कर काट रहे हैं? 3 महीने हो गए सर। सर मेरा क्या है, 2017 की वो है क्या मार्कशीट है, ठीक है, अभी तक वो बस आ रहा हूँ और बस बोलते हैं कि वहाँ पे पहुँच गए, जो कॉलेज में पहुँची आपके अभी पहली बार, पहली जो मार्कशीट है वो विश्वविद्यालय में जारी हुई है, फाइनल की, फाइनल की अभी जारी हो गई है। हाँ, कॉलेज नहीं पहुँची है? हाँ नहीं, कॉलेज, और कॉलेज वाले बोलते हैं कि वहाँ से आप यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में आप कन्फर्म करो। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होती है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर से घुमाते रहते हैं। तो अभी तक देखो, अब लंच टाइम कुछ पता नहीं हमारा, बैठे कब के आए हैं यहाँ पर आप? सर मैं सुबह आया हूँ करीबन 10 बजे। ऑनलाइन हेल्प डेस्क चालू करी विश्वविद्यालय ने छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए, हाँ। कितनी कारगर है, काम करेगी कुछ? सर अभी उसमें हमने किया ही नहीं है उसमें, और सर क्या होता है कि कर देते हैं ना तो मेरे दोस्त की उसमें मार्कशीट आती ही नहीं है घर पे। फिर वो लड़का घूमते हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी मेरा सर क्या है, UPSI का वो फॉर्म है, उसके लिए हमें फॉर्म भरना है सर। अब हाँ, तो सर मैं ये बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, मेरा UPI का फॉर्म है सर, हमें कम से कम मार्कशीट दे दो जिससे कि हम अपलोड कर सकें सर। कोई मार्कशीट में दिक्कत समस्या या ऐसा कुछ था किस वजह से नहीं दे रहे हैं? कुछ अभी तक जारी नहीं हुई है, कुछ जारी नहीं है, जारी है सर, उसका मतलब आदेश नहीं देते कि कहाँ पर मिलेगी, कुछ कन्फर्म मतलब वो नहीं है। 2 जून को ऑनलाइन हेल्प डेस्क विश्वविद्यालय की ओर से शुरू की गई थी, जिससे घर बैठे छात्रों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क पर छात्रों की एक नहीं सुनी जा रही। गर्मी में घंटों छात्र हेल्प डेस्क के सामने खड़े रहते हैं, वहीं अधिकारी कैबिन में बैठे गप्पे मारते हैं। कई छात्रों ने परेशान होकर हेल्प डेस्क के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया, फिर भी दरवाजे नहीं खुले। कई छात्रों का कहना है विश्वविद्यालय के कर्मचारी एक डेस्क से दूसरी डेस्क घुमाते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। वहीं ऑनलाइन हेल्प डेस्क प्रभारी PK सिंह को बनाया गया है, जो कभी अपनी सीट पर नहीं मिलते, सिर्फ कागजों में विश्वविद्यालय अपनी वाहवाही के आंकड़े गिनाता रहता है। कर्मचारियों के काम न करने की आदत से विश्वविद्यालय को मुंह की खानी पड़ती है।